सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण जब आता है उस समय जो व्यक्ति भजन करता है, जाप करता है, दान करता है, तो उसे अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है, क्योंकि उस समय सूर्य भगवान बड़े कष्ट में रहते हैं। तो वही राहु केतु बने हैं, अमृत देवता को पिलाकर तू पुष्ट कर दिया है और समस्त वली सहित राक्षसों का देवताओं ने वध कर दिया। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की जय। शुक्राचार्य जी महाराज ने दानवों को पुनः मृत संजीवनी विद्या से जीवित कर दिया। बलि महाराज ने कहा, गुरुदेव अगर आप नहीं होते तो हम तो जीवित कैसे होते। अब तो शुक्राचार्य ने कहा, एक काम करो, तुम ब्राह्मणों की सेवा करो, गुरुओं की सेवा करो, उनसे आशीर्वाद ले लो, क्योंकि भगवान विष्णु है ब्राह्मण ने ब्राह्मणों से विशेष प्रेम करते हैं, तो उनके चरणों की सेवा करो। समस्त ब्राह्मणों को सेवा करी है दैत्यराज बलि ने, समस्त ब्राह्मणों ने मिलकर उन्हें तेजोमय रथ प्रदान किया है। इतना दिव्य तेज है उसमें कि उसने दैत्यराज बलि ने स्वर्ग पर आक्रमण किया है और इंद्र को परास्त कर दिया और वहां पर पुनः साम्राज्य दैत्यराज बलि का हो गया। अब तो एक दिन कश्यप जी की पत्नी है अदिति मैया, उन्होंने अपने पति से प्रार्थना की है, स्वामी जी मुझे ऐसे बलवान पुरुष की उत्पत्ति कीजिए जिसे बलि को परास्त कर दे। कश्यप जी ने अपनी पत्नी को एक व्रत बताया है जिसका नाम है पयोव्रत। पयोव्रत है जिस माता को भक्त रूप में भगवान की प्राप्ति करना चाहती है, संस्कार पुत्र की कामना चाहती है, वह इस व्रत को कर सकती है। उसका नियम इस प्रकार से, फाल्गुन शुक्ल पक्ष एकम से लगाकर द्वादशी तक भगवान विष्णु का पूजन करें, एक समय भोजन ग्रहण करें और द्वादश अक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें। जो माता नियम पूर्वक पूजन जाप करती है वहां भगवान भक्त रूप में अवतरित होते हैं। तो वही अदिति मैया ने व्रत किया है पयोव्रत, और फल स्वरूप भगवान की कृपा से साक्षात वामन भगवान ने उतार ले लिया है। बोले वामन भगवान की। नमस्तुभ्यं भगवते पुरुषाय विधीमहि सर्वभूत निवासाय वासुदेवाय साक्षिणे। बावन अंगुल के वामन भगवान दिव्य स्वरूप है। हे मैया मुझे क्यों याद किया है, का तुम मेरा कार्य सिद्ध करो। वामन भगवान का यज्ञोपवीत संस्कार किया है। तम बटुम वामनम दृष्ट्वा मोदमाना महर्षया कर्माणि कारयामासौ पुरस्कृत्या प्रजापतिम। सुंदर बृहस्पति जी ने यज्ञोपवीत संस्कार किया है वामन भगवान का, और गायत्री मंत्र फूका है कान में वामन भगवान के। गुरु जी ने कहा जाओ और भिक्षा लेकर आओ। ब्रह्मा जी ने कमंडल दिया है वामन भगवान को, कुबेर ने भिक्षा प्रदान की है, भिक्षा पात्र दिया है, और उमा मैया ने भिक्षा प्रदान की है, भूमि मैया ने चरण पादुका दी है वामन भगवान को, और इंद्र ने छत्र दिया है, सरस्वती मैया ने रुद्राक्ष की माला पहना दी है वामन भगवान को, और बृहस्पति जी ने कहा जाओ और भिक्षा लेकर आओ। माता अदिति ने कहा जाओ और दैत्यराज बलि से तीन पग भूमि लेकर आओ। जो मैया आपकी आज्ञा। वही वामन भगवान धीरे धीरे चल रहे हैं और चलते चलते जैसे ही पहुंचे हैं जहां दैत्यराज बलि अपनी पत्नी के सहित यज्ञ कर रहे नर्मदा तट पर, एक एक करते 99 यज्ञ संपादित कर दिए, 100वां यज्ञ प्रारंभ हो रहा है। और
वामन भगवान ने आवाज लगा दी है। तेरा होगा बड़ा एहसान भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे तू छोड़ सकल अभिमान।
तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे, तू छोड़ सकल अभिमान राजा, छोड़ सकल अभिमान, कर ले मुझसे जरा पहचान, भगत भर दे रे जो बोले वामन भगवान की। विंध्यावली और राजा बलि यज्ञ कर रहे हैं, शुक्राचार्य आवती छोड़ा रहे, और जैसे आवाज लगाई है वामन भगवान को देखा है तो आ देखकर निहाल हो गए बलि। अरे ऐसा वामन, ऐसा स्वरूप मैंने कभी जीवन में देखा ही नहीं है, आज तो आनंद आ गया। अरे इतने संत महापुरुष पधारे हैं पर जो आनंद इस बालक को देखकर मुझे तृप्त हो रहा है इतना नहीं, आज तो मेरा मन कह रहा है कि सर्वस्व उल्टा दूंगा। शुक्राचार्य जी समझ गए कि बलि को छलने छलिया आया है। अरे राजा बलि उसके बाद में बताना, वो बामन नहीं है, वो तो विष्णु है, छलिया है, तुम्हें छल लेगा। अरे अगर नारायण मुझसे भीख मांगने आया है, भिक्षा लेने आया है, तो जगत के पालनहार को अगर मैं दूंगा तो मुझसे बड़ा कौन होगा संसार में। दोनों पति पत्नी आए हैं, बामन भगवान के चरणों में बैठ गए, चरण दबाने लगे हैं, पाद प्रक्षालन किया, उच्च आसन पर बैठाया है। गुरु जी आपको देखकर आज मैं बहुत मंत्रमुग्ध हूं। अरे आज तो मैं सब कुछ लौटा दूंगा। मामन भगवान कहने लगे, अरे देखते राज बली, मैंने तुम्हारी बहुत चर्चा सुनी है, तुम कोई साधारण नहीं हो। अरे तुम प्रहलाद के वंशज हो, और प्रहलाद ऐसे महापुरुष हुए जिन्होंने खंभे से भगवान को प्रकट कर दिया है, तुम कोई साधारण नहीं हो। और विरोचन जिन्होंने सर्व कुछ दान में दे दिया, ऐसे दानवीर के तुम पोते हो। बलि ने कहा, महाराज मैं तो छोटा सा हूं, मेरे पास कुछ नहीं है, सब आपका ही है, ये नम्रता होती है। महाराज अगर आप देना चाहते हो तो जो मैं मांगू वो दे दो। देतराज बलि ने कहा, अरे छोटे से बोने से ब्राह्मण लगते हो, अगर तुम्हारी विवाह नहीं हुआ, तुम्हारी इच्छा हो तो कोई छोटी बाल कन्या से शादी ना चाहते, वो ही ब्राह्मण जाति की, क्या चाहते हो। बामन भगवान के लगे, राजन अगर देना ही चाहते हो तो मुझे 3 पग भूमि दान में दे दीजिए। और जो सुना तो देतराज बलि ने कहने लगा, अरे गुरु जी आपसे मांगना नहीं आता, अरे मेरे पूर्वजों की तुमने इतनी बड़ाई करी है, और मैंने अगर तुम्हें 3 पग भूमि दी तो मेरे पूर्वज मुझसे क्या कहेंगे, एक ब्राह्मण आए उन्हें भी तुमने मात्र 3 पग भूमि दान में दी, मेरा खुल लज जाएगा। फिर से बागी, देखो राजन हम संतोषी ब्राह्मण हैं, जितना मिल जाता है उसमें हम संतुष्ट रहते हैं, हमें तो 3 पग भूमि चाहिए संध्या पूजन के लिए बस। खूब प्रार्थना करी है, तब देते राज बलि ने कहा, महाराज आप नहीं मान रहे हो तो मैंने दी है। कहा ऐसे नहीं, बिना संकल्प के मैं लूंगा नहीं, और बिना संकल्प के दान की सिद्धि नहीं, दान करो तो संकल्प सहित करो। विंध्यावली से कहा, जाओ जल लेकर आओ। विंध्यावली गई है, जल का पात्र लेकर आया। शुक्राचार्य जी आ गए, महाराज ये भगवान विष्णु हैं, इनके चक्कर में मत पड़ना नहीं तो सब बर्बाद हो जाएगा। दैत्य राज बलि ने कहा, गुरुजी जीवन भर आपकी सुनी है, एक बार मुझे मेरे मन की कर लेने दो। और विंध्यावली जल का पात्र लेकर आई है झारी, और जल गिराने लगी है तो जल नहीं आ रहा है, क्योंकि वहां पर शुक्राचार्य जी भौरा बने बैठे,
उन्होंने सोचा का जल गिरेगा नहीं, संकल्प होगा नहीं और मेरे भक्त का कुछ बिगड़ेगा नहीं। दानी दान करे और भंडारी पेट फूटे, ऐसा नहीं। दानी दान कर रहा है, हमें क्या लेना देना, जिसकी जैसी श्रद्धा। पर जो बीच में अड़चन डाले धार्मिक आयोजनों में, भगवान के कार्यों में, तो वो समझ लेना शुक्राचार्य है। भगवान ने कहा, बामन भगवान ने, अरे जल नहीं आ रहा राजन, क्या बात है, जल नहीं है क्या महाराज? जल तो पूरा है पर ना जाने क्यों नहीं गिर रहा है। भगवान समझ गए, शुक्राचार्य जी यहां भी तुम आ गए हो। जिस कुशा के आसन पर भगवान बैठे थे, कुशा निकाली है और उस नाल में छिद्र में कुशा को चलाया है, सोई शुक्राचार्य जी की एक आंख गोविंदाए नमो नमः हो गई, फूट गई। शुक्राचार्य जी बाहर निकल आए, अब तू चाहे पूरा साम्राज्य दे दे, मैंने अपनी एक आंख फोड़वा ली तेरे चक्कर में। इसलिए कोई दान करता हो तो हमें बीच में नहीं रोकना चाहिए। संकल्प हुआ है, भगवान ने विराट स्वरूप बनाया है, एक चरण में तो भगवान ने सात लोक नाप लिए, भू भुवा स्वाहा महाजन तप सत्य लोक। दूसरे में सात लोग नीचे के, अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल पाताल। महाराज अब तीसरा चरण कहां रखूं? अब तो देते राज बलि के ने लगा, मुझे ये बताइए भगवान, दानी बड़ा धन बड़ा होता है कि दानी बड़ा होता है? भगवान ने कहा दानी बड़ा होता है। तो तीसरा पग आप मेरे मस्तक पर रख दीजिए, और जो तीसरा पग मस्तक पे रखाए, सोई भगवान ने सुतल लोक का राज्य प्रदान कर दिया दैत्यराज बलि को। धन्य दैत्यराज बलि जिसने सब कुछ दान में दे दिया और भगवान को प्रसन्न किया, संतुष्ट किया। दानियों में शिरोमणि दैत्यराज बलि भगवान को अर्पण कर दिया। वही दैत्यराज बलि के यहाँ भगवान चतुर्मास व्यतीत करने जाते हैं लक्ष्मी जी के साथ। तो भगवान तो अहेतु कृपा करने वाले हैं। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की जय। धन्य दैत्यराज बलि जिसने परमात्मा को संतुष्ट किया और भगवान चौकीदारी करने के लिए चार महीना दैत्यराज बलि के यहाँ जाते हैं। बोले वामन भगवान की जय। श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित को आगे कथा सुना रहे हैं, सूर्यवंश का वर्णन करने लगे। अम्बरीश राजा की कथा सुनाई। अम्बरीशो महाभाग सप्तदीपवतिम महिम। नभक से नाभाग, नाभक से अम्बरीश। अम्बरीश राजा ने एकादशी का व्रत किया, दोनों पति पत्नी सहित, और उद्यापन किया। दुर्वासा मुनि आए, दुर्वासा मुनि क्रोधित हुए, पर जिस पर परमात्मा की कृपा हो उसे कौन क्या कर सकता है। एकादशी का मतलब आप जानते हैं, पांच ज्ञानेंद्रिय, पांच कर्मेंद्रिय और एक मन, जो इन पर विजय प्राप्त कर ले उसे कहते हैं एकादशी। पर जैसे हमें पता चले कल हमारी एकादशी, तो दसवें के दिन से ही भोजन चालू, और सुबह उठे नहीं उठे दूध पी लिया, चाय पी लिया, फिर दोपहर में कुछ खा लिया, शाम को खा लिया, ऐसे व्रत करने से कोई मतलब नहीं। एकादशी का व्रत इस प्रकार करना चाहिए, दसवें के ठीक दिन के 12 बजे से भोजन बंद कर दीजिए, भोजन नहीं करना चाहिए, और द्वादशी के 12 बजे से पहले उस व्रत को खोलना चाहिए, ये उसका नियम है। तो वही उद्यापन किया, दुर्वासा मुनि नाराज हो गए, कहा महाराज मुझे निमंत्रण दिया और मेरे बिना बुलाए ही ब्राह्मणों को भोजन करा दिया, मैं तुम्हें श्राप दूंगा। एक कृत्या नाम की राक्षसी प्रकट करी और कहा कि अम्बरीश को तुम खा जाओ। वह दौड़ा है अम्बरीश को खाने के लिए। अम्बरीश ने भगवान से प्रार्थना की, मैंने तन से मन से केवल और केवल भगवान आपका स्मरण किया है, तो आप मेरी रक्षा करो। भगवान वैकुंठ से विराजमान है और अपने सुदर्शन चक्र को आज्ञा दी, जाओ उस कृत्या का मस्तक काट दो। हमें चिंता नहीं अपनी, उन्हें चिंता है हमारी, और हमारी रक्षा में तत्पर सुदर्शन चक्रधारी है। आई सुदर्शन चक्र ने कृत्या का मस्तक काटा, अब तो पीछे लग गया दुर्वासा मुनि।
दुर्वासा मुनि भागे भागे गए शिव जी के पास। भगवान ने कहा, शिव द्रोही मम दास कहावा, सो नर मोहि सब नहीं रहूं भावा, तुम विष्णु के विरोधी, यहाँ से भाग जाओ। ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी बचा नहीं पाए। भगवान विष्णु के पास गए, भगवान आप रक्षा करो, भगवान ने भी मना कर दी, मैं भी रक्षा नहीं कर पाऊंगा, जहां जिसका तुमने अपराध किया वही अब तुम्हारी रक्षा कर सकता है। दुर्वासा मुनि गए अम्बरीश राजा के पास, चरणों में गिर पड़े, महाराज हम क्षत्रिय या ब्राह्मण है, प्रणाम हमें करना चाहिए, उल्टी गंगा क्यों बहा रहे, कहा इस सुदर्शन चक्र से मेरी रक्षा करो। अम्बरीश ने सुदर्शन चक्र से स्तुति की है, सुदर्शन चक्र शांत हुआ है और दुर्वासा मुनि की रक्षा करी। ऐसे एकादशी का व्रत अम्बरीश राजा ने किया है, व्रतों का राजा है एकादशी व्रत। ऐसे अम्बरीश राजा हुए जिन्होंने भगवान को प्रसन्न किया है। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की। इन्हीं के वंश में आगे युवनाश राजा हुए हैं और इनके मानधाता, और इन्हीं वंश में सगर राजा हुए, सगर के 60,000 पुत्र कपिल मुनि के श्राप से जलकर भस्म हो गए। गंगा मैया आई है, भगीरथ ने लेकर आए हैं और समस्त 60,000 पुत्रों का गंगा मैया ने उद्धार कर दिया है। गंगा तरंग रमणी यजटा कलापम गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम नारायण प्रिय मदंग मदापहारम वाराणसीं पुरपतिं भज विश्वनाथ।